गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदूत कार्यक्रम ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान. टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट 2. दिस इज पार्ट 2. कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट हम एक ओवरव्यू करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल है, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने बनाए हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं, एंड हम ये देख सकते हैं कि कैसे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में. तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उनका एनालिसिस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम ये पता लगा सकें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर जो और एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनीज़ में, वो सब बहुत अच्छे से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. और अगर कोई भी ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं हो रही हैं, या सपोज़ कैश फ्लो या कैश आउटफ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से हम कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो हम उस पर वर्कआउट कर सकें. तो मैनेजमेंट को ये एक इम्पॉर्टेंट टूल मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाए और उसमें ये देखा जाए कि कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज का क्या सिचुएशन है, और यदि वो सही नहीं है तो हम उसको मॉडिफाई करके, उसे ठीक करके, उसे करेक्ट कर सकें फ्यूचर के लिए. तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो 3 तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू बन रहा होता है. पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, कौन कौन से टाइप के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो रहे होते हैं, और हम अंत में क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के. उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे होते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो डे टू डे ऑपरेशंस में हो रही हैं कंपनी में, बिजनेस में. जैसे कि कोई भी सैलरीज पे हो रही हैं, कोई भी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कैश आ रहा है जा रहा है, रेगुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, जो ऑपरेशंस हैं आपके बिजनेस के, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कवर होती हैं. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करते हैं जिनकी वजह से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स की वजह से. जैसे कि हमने असेट खरीदा, असेट बेचा, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, तो वो सब आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं. तीसरा जो है हमारा, वो हमारी कैटेगरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड है. जैसे कि आपने शेयर्स इशू करे, उससे पैसा आया, आपने रीपेमेंट ऑफ लोन किया, उससे पैसा चला गया बिजनेस में से, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो फाइनेंसिंग रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है, और उनकी वजह से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. ये एक फॉर्मेट है. 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इसे फॉलो करके स्टेटमेंट इस तरीके से बना रही होती हैं. जो शेड्यूल आप सामने देख पा रहे हैं फॉर्मेट, उसमें जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं. इस कैटेगरी को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम से शुरू करते हैं. इसमें हम वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जिनकी वजह से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, बट हमने उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया था, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट हुआ था. ऐसे आइटम्स हो सकते हैं डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, एट्सेट्रा. कुछ आइटम्स जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ था,
उनको हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, कोई भी आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है, ऐसी चीज़ें आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज तो कर देती हैं बट उनकी वजह से एक्चुअल कैश आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा होता है, इसलिए आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस यहाँ से हटाने पड़ेंगे ताकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल पाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिलेगा। जब हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये सारे आइटम्स ऐड करेंगे और हम सारे एक्सपेंसेस जो जो हमें लेस करने हैं, सारे इंटरेस्ट इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जब हम लेस करेंगे तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम सारी की सारी डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, यदि कोई भी इंक्रीज हुआ है करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूरिंग द ईयर जिस ईयर का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, या फिर कोई भी डिक्रीज इन करंट असेट्स होता है तो उसे हम ऐड करते हैं। और अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हो रहा है और इंक्रीज इन करंट असेट्स हो रहा है तो उसे हम डिडक्ट करते हैं ताकि हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाए। लास्ट में हम इनकम टैक्स पेड जो है उसको एडजस्ट करते हैं और वो वाला अमाउंट हम यहाँ से लेस करते हैं ताकि हमें फाइनली ये आइटम मिल जाए। यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड अगर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं जिसकी वजह से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है आपके बिजनेस में उस ईयर में, तो हमें उसको एडजस्ट करना है एंड उसके बाद हमें मिलेगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर पॉजिटिव आता है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर नहीं आता है, नेगेटिव आता है, दैट मीन्स कि आपका नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो है हमारे लिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, उसमें हम कौन सी चीज़ें ले रहे होते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया, आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किया, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ आपको, आपने कोई भी परचेज ऑफ असेट्स करा तो उसको लेस कर देंगे। इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा वो हमें मिलेगा इस हेड का टोटल, जिसे हम बोलेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस हेड के बाद जो हमें मिलेगा वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे और शो करेंगे फॉर्मेट के हिसाब से जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आपने शेयर्स इशू करे, आपने डिबेंचर्स इशू करे, उसके थ्रू आपको पैसा मिला है, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हुई हैं जिसके थ्रू आपको पैसा मिला है, कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट होता है, डिविडेंड्स पे होते हैं चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल डिविडेंड्स हो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंशियल्स होता है जिसकी वजह से पैसा जा रहा है आपके बिजनेस से, कैश आउटफ्लो हो रहा है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या फिर नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन तीनों हेड्स को ए, बी और सी को टोटल करने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आपका ए, बी और सी को ऐड करने के बाद आएगा। इसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग ऐड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ये सारा कैटेगराइजेशन था जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले वर्किंग नोट्स करने पड़ते हैं। अब वो कौन से ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं, उसमें ये है कि यदि कुछ ऐसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बैलेंस शीट दे रखी हैं 2 सालों की एंड उनके डिटेल्स दे रखे हैं, एंड उसके अलावा यदि आपको कुछ ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं या कुछ ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम उन एडजस्टमेंट्स के अकाउंट्स बनाएंगे। उन एडजस्टमेंट्स के अकाउंट से हमें कुछ ना कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन जब हम मिल जाएगी तो हम उसको फॉर्मेट में यूज़ करके फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स एक आपका करंट लाइबिलिटी अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पर लिखते हैं।
सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है 10,000 रुपये का, तो हम उसका अकाउंट जब बनाएंगे तब हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ प्रेजेंट करेंगे क्रेडिट साइड पर, तो हमें ऑटोमेटिकली हिडन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टू बैंक अकाउंट, जिसका मतलब होता है कि आपने कितना टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो हो सकता है आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन हो या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन हो, जो भी आपको गिवन है आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन हिडन इन्फॉर्मेशन के फॉर्म पे मिल जाएगी। अब हमें बच्चों ध्यान ये रखना है कि ये जो आइटम्स हैं ये हमें कहाँ लिखने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है ड्यूरिंग द ईयर तो वो कहाँ जाता है, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको उसे ऐड करना है। अगर टैक्स पेड है ड्यूरिंग द ईयर तो हम उसको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से लेस कर देंगे, क्योंकि वो वहाँ से हटेगा और फाइनली वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने में आपको हेल्प करेगा। सेम ऐसे ही होता है हमारा प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट भी करंट लाइबिलिटी में आता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। उसके बाद में यदि डिविडेंड का आपने प्रोविजन बनाया है, डिविडेंड प्रपोज किया है, तब उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एंड अगर आपने डिविडेंड पे करा है ड्यूरिंग द ईयर तो वो टू बैंक अकाउंट के नाम पर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। सो चार आइटम्स जो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में आएंगे वो सेम वैसे ही हैं जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के थे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डिविडेंड प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें ध्यान ये रखना है कि डिविडेंड प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से लेस होगा, क्योंकि डिविडेंड पेड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर कुछ इंट्रिम डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन आपको है, क्या होता है इंट्रिम डिविडेंड? इंट्रिम डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड पेड एंड प्रपोज इन द सेम ईयर। तो एक ही साल में, सेम ईयर में आपने डिविडेंड प्रपोज भी किया और आपने पे भी कर दिया। जबकि नॉर्मली क्या होता है, जिस साल हम डिविडेंड प्रपोज करते हैं नॉर्मली उसके नेक्स्ट ईयर में वो पे किया जाता है। तो यदि इंट्रिम डिविडेंड है, डिविडेंड प्रपोज भी आपने अभी किया है इसी साल और आपने पे भी इसी साल किया है, तो वो ऐड भी होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और वो लेस भी होगा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इसके बाद में हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स तो आपके क्या होते हैं, करंट असेट्स, सॉरी ये आपके असेट्स का पार्ट है, तो असेट्स का पार्ट है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। यदि कोई भी असेट, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं ड्यूरिंग द ईयर तो बाय बैंक अकाउंट के नाम पे वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यदि उस पर प्रॉफिट होता है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो वो डेबिट होगा, क्योंकि वो पेंडल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो यहाँ वो डेबिट साइड में आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और अगर उस पर कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। आप देखेंगे कि जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लॉट कर देते हैं तो हमें बैलेंस फिगर मिलता है, नॉर्मली वो आपकी एडिशनल परचेजेस होती है। तो जब हमारी एडिशनल परचेजेस यहाँ पर आ जाएंगी तो हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हमें सारे आइटम्स मिले हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमें वो कहाँ पर शो करना है। वो हमें कहाँ शो करना है? हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करना है अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है। तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं तो हम उसे लेस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यदि होता है तो हम उसे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था इसीलिए हम उसे वापस से ऐड बैक करेंगे। और अगर हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है तो हम उसे लेस करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कुछ चीज़ें जा रही हैं और कुछ चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जा रही है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एडजस्टमेंट आता है तो हमें ध्यान रखना है कि वो हमें कहाँ पे प्लॉट करना है। अब हम देखते हैं फिक्स असेट्स अकाउंट। फिक्स असेट्स अकाउंट है, असेट्स नेचर का है, इसका भी जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पर आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑन दी क्रेडिट साइड। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट्स में किया था, यहाँ पर भी यदि सेल ऑफ फिक्स असेट्स होता है तो हम बाय बैंक अकाउंट करते हैं पोस्टिंग।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स होता है तो वो भी डेबिट क्रेडिट साइड पर आ रहा है, यदि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स होता है तो वो डेबिट साइड पर आ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में और फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में एक डिफरेंस है कि हम डेप्रिसिएशन करते हैं फिक्स्ड असेट्स का, तो ये डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्रेडिट साइड ऑफ फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाते हैं। ये वो डेप्रिसिएशन है जो आपका फिक्स असेट सोल्ड होने वाले असेट पे लगा है। इसके अलावा जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो भी हम इसी साइड पे दिखाएंगे, और ये वाला वो डेप्रिसिएशन है जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर का ऐसा एक्सपेंस है जिसकी वजह से कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये वहाँ पर भी ऐड बैक करेंगे हम। ये सब कुछ प्लॉट करने के बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हिडन इन्फॉर्मेशन, वो नॉर्मली फिक्स असेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर होती है। तो ये फिक्स असेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हम कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेस करके दिखाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं फिक्स असेट्स की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो सब आपको कहाँ पर फॉर्मेट में दिखानी है। फिक्स असेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं, फिक्स असेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हम लेस करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, यदि करंट ईयर का प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स है तो वो लेस होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स है तो वो ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इसके अलावा अगर आपको फिक्स असेट्स और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों गिवन है, तो अगर दोनों अकाउंट्स गिवन होते हैं किसी भी बैलेंस शीट में, इसका मतलब ये है कि हर साल हम फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, हम अलग से एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम डेप्रिसिएशन एक्युमुलेट करते चलते हैं। जब फाइनली आप असेट बेच रहे होते हो तब हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उतना डेप्रिसिएशन जितना उस सेल होने वाले असेट पे चार्ज हुआ है वो हम उठा के उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर ये दोनों अकाउंट्स गिवन हैं आपको तो आपको ये दोनों अकाउंट्स बनाने हैं, आप एक साथ बनाइए बच्चों ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो और हिडन इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली निकल कर आ जाएगी आपके पास। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लॉट कर देंगे हम। इसके बाद में जो भी सेल होने वाला असेट है उस पर जितना डेप्रिसिएशन आज तक लगा है वो हम फिक्स असेट्स में ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए यहाँ पर टू फिक्स असेट्स करेंगे और ये डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पर बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम पर फिक्स असेट्स में आ जाएगा। अब जो असेट सेल हो रहा है वो या तो प्रॉफिट पे सेल होगा या लॉस पे होगा, अगर प्रॉफिट पे होता है तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा डेबिट साइड पर, अगर लॉस पे होता है तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, एंड जो भी सेल अमाउंट है वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पर। आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है कि आपके क्रेडिट साइड पे कौन से आइटम्स आ रहे हैं, डेबिट साइड पे कौन से आइटम्स आ रहे हैं एंड क्यों आ रहे हैं। अब जो हिडन इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी आपके पास, यदि आती है तो वो इस साइड पर आएगी, इस वाले साइड पे, और ये जो डेबिट साइड पे अगर आपकी कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन आ रही है इसका मतलब ये है कि फिक्स असेट्स परचेज हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। अब सेम वही चीज़ें, ये सब वही आइटम्स हैं जो अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, सब कुछ वही जाएगा जहाँ पे वो जा रहा था, जैसे परचेजेस आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से लेस हो रही थी, सेल आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो रही थी, वो सब कुछ वहीं पर ही जाएगा, बट आपको दोनों अकाउंट्स एक साथ बनाने थे ये आपको ध्यान रखना था। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021, और आपको दो बैलेंस शीट दे रखी है बी लिमिटेड की, 31st December 2020 में जो एंड हो रही है और 31st December 2021 में जो एंड हो रही है। आप देखेंगे कि आपको लाइबिलिटी साइड पे सारे शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटर्स एटसेट्रा सब कुछ दे रखा है, और ऐसे ही आपको असेट्स भी सारे दे रखे हैं। आपको इस फॉर्मेट में भी बैलेंस शीट्स मिल सकती है, और जो आपका लेटेस्ट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में भी आपको बैलेंस शीट्स मिल सकती हैं जिसमें आपके पास सारे कैटेगरी वाइज आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखे हों। अब हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स जो कॉस्टिंग है 8000 की, आपने उसको 8500 में सेल किया है। टैक्स प्रोविजन जो है
एक बार इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो बैलेंस शीट मैंने ली है क्वेश्चन में, ये मैंने एक अज्यूम्ड फिगर्स लिए हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में भी बैलेंस शीट मिल सकती है आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो जो आपका नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट का शेड्यूल 6 के हिसाब से, आपको उसी के हिसाब से नॉर्मली बैलेंस शीट्स बनती हैं और उसी में ही हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। सो आइटम्स कौन कौन से होंगे, फॉर्मेट में कहाँ जाएंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो डिटेल्स है वो सब तो सेम ही रहेगा, बट फॉर्मेट विल बी चेंज्ड। सो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट्स जो 8000 रुपीज़ के थे वो 8500 के सेल हुए हैं, टैक्स प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर 9000 रुपये का बनाया गया है, और तीसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि ड्यूरिंग द ईयर जो फिक्स असेट्स थे जिनकी कॉस्ट 10000 रुपये थी आपने उनको 12000 में सेल किया, और ये प्रॉफिट जो था वो आपने P&L अकाउंट में एडजस्ट कर दिया था, इंक्लूड कर दिया था। तो अब हमें सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखिए आप पहले वर्किंग नोट्स बनाइए, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन करिए पहले वर्किंग नोट्स का, फिर फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे उस गिवन फॉर्मेट के हिसाब से जो अभी हमने डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से। उसमें हम ये हिडन इन्फॉर्मेशन प्लस जो भी आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स की इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ प्लॉट करते जाएंगे एंड हमारा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता जाएगा जो हमारे लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फिक्स असेट्स अकाउंट आपको दिखाया है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दे रखा है इसलिए हम सिर्फ फिक्स असेट्स अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। फिक्स असेट्स अकाउंट में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ओपनिंग बैलेंस देखिए 4 लाख रुपये का था वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 3,20,000 रुपये का। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो ये थी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 10,000 की कॉस्ट वाला फिक्स असेट्स 12,000 में बेचा है, तो 10,000 की अगर कॉस्ट है और आप उसको 12 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 2,000 रुपये का, मैंने उसको P से डिनोट किया है, और जो आपकी सेल ऑफ फिक्स असेट थी वो मैंने बैंक अकाउंट में 12,000 में दिखाया है, मैंने उसको S से डिनोट किया है अब, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सब कुछ बैलेंस करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है वो डेप्रिसिएशन आ रहा है 70,000 रुपये का क्रेडिट साइड पे। तो जब आपका क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट बच रहा है तो डेफिनेटली वो हिडन इन्फॉर्मेशन आपकी डेप्रिसिएशन निकल कर आई है, जो कहाँ जाती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब हम शुरू करते हैं तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन आपको ये अकाउंट बनाकर पता चली। अब हम देखते हैं दूसरा अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो आपको गिवन था वो था 75,000 रुपये का, और क्लोजिंग बैलेंस हमें 10,000 रुपये का गिवन था। ये दोनों बैलेंसेस लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमको गिवन थी वो थी टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 9,000, मतलब 9,000 रुपये का टैक्स प्रोविजन बनाया गया है। तो 9,000 का टैक्स प्रोविजन यहाँ पर आएगा और ये कहाँ जाएगा बताइए, ये जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये ऐड होना था, ठीक है। इसके अलावा जो हिडन इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो हमारे पास अब टैक्स पेड आ गई है 74,000 रुपीज़ की। तो आपने देखा कि 74,000 रुपीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट बनाने के बाद आई। ये 74,000 हम कैश फ्लो में कहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर हमारा इनकम टैक्स पेड हम दिखाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लास्ट में, जब हम इनकम टैक्स पेड जहाँ पर लेस करते हैं वहाँ से ये लेस हो जाएगा 74,000 रुपीज़। आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद जब हम देखेंगे कि उसकी सेल कितनी हुई है, तो उसने बताया था कि आपने 8,000 का असेट इन्वेस्टमेंट्स जो थे वो आपने 8,500 के बेचे थे, तो दिस इज़ सेल। तो सेल को मैंने S से डिनोट किया है और ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से कैश इनफ्लो हो रहा है। 500 रुपये का प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। और आप देखेंगे जो हिडन इन्फॉर्मेशन आई है आपकी, वो आपकी 18,000 रुपये आई है जो आपकी इन्वेस्टमेंट में लेस हो जाएंगे क्योंकि परचेजेस आपकी कैश आउटफ्लो करते हैं इसलिए वो यहाँ से लेस हो जाएंगे। इसके अलावा हमें एक और अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एडजस्टेड P&L अकाउंट।
जिसे हम बोलते हैं, इसलिए बनाएंगे हम वो क्योंकि हमें कुछ कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड दे रखी है। तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसका ओपनिंग बैलेंस 56,000 और क्लोजिंग बैलेंस 68,000 गिवन था। अब 56,000 और 68,000 तो आपको ऐसे दिख रहा है कि 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ ड्यूरिंग द बिजनेस, ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी चीज़ों की वजह से प्रॉफिट लेस भी हुआ। तो हमें फाइनली एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट बनाना है और इसमें जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आएगा उससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे फर्स्ट हेड में, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो अब देखते हैं कौन कौन से आइटम्स हमारे पी एंड एल में जा रहे थे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हुआ था 500 का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स हुआ था 2,000 रुपये का, उनको हम यहाँ पे ऐड करके दिखा रहे थे। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया गया था 9,000 का और आपको बैलेंस शीट में गिवन था कि आपका जो जनरल रिजर्व है वो पहले आपका 3,00,000 रुपये का था और बाद में वो 3,10,000 का हो गया, मतलब 10,000 आपने ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व में डाला होगा, तो इसलिए हमने 10,000 रुपये का प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व दिखाया। ये सब कुछ डालने के बाद आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 28,500। ये वो प्रॉफिट है जिससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हैं। पहला आइटम जिसमें हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो हम दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये उस फॉर्मेट पे बनाया गया है जो मैंने अभी इस सेशन के स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट। तो देखिए, जो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट्स के थ्रू निकाला था 31,000 से हम इसको शुरू करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स असेट्स। यदि आप 28,500 से शुरू करते हैं तो फिर आप ये जो दो आइटम्स हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स असेट्स, ये आप अलग से वापस से एडजस्टमेंट इसका नहीं दिखाएंगे। पर अगर आप 31,000 का प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप इनका एडजस्टमेंट अलग से दिखाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। अब डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे ऐड करना था, मैंने आपको एडजस्टमेंट्स में बताया था, वो हमने ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद जो हमारा आता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है हमने वर्किंग कैपिटल के कुछ भी आइटम्स कंसिडर करने से पहले। और वर्किंग कैपिटल के कौन से आइटम्स थे, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो। तो यहाँ पर करंट असेट्स में चेंज हुआ है, डिक्रीज इन स्टॉक हुआ है 30,000 का, उसको हम ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स हुआ है 34,000 का, उसको लेस कर देंगे। और इंक्रीज इन डेटर्स हुआ था 2,45,000 का, उसको हम लेस कर देंगे। फाइनली हमें इनकम टैक्स पेड, जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स भरे अकाउंट से निकाली थी रिटर्न इन्फॉर्मेशन, वो 74,000 रुपीज़ हम लेस करेंगे। हमें मिलेगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2,24,500। ये हमारा पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हमारे कैश फ्लोज आ रहे हैं वो है। अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स परचेज थे 18,000 के, ये हमारे हिडन इन्फॉर्मेशन में से निकले थे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा था 8,500 रुपीज़ का और सेल ऑफ फिक्स असेट्स भी दे रखा था 12,000 का। इन सबको ट्रीटमेंट करने के बाद हमें नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मिल रहा है 2,500 रुपये का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमारा जो शेयर कैपिटल था वो पहले भी 4,500 का था, अभी भी 4,500 का है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मॉर्गेज लोन पहले आपका कुछ नहीं था, मतलब आपका 31/12/2020 में जो बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग थी उसमें कोई लोन नहीं ले रखा था, लेकिन बाद में आपको 2,70,000 रुपये का लोन दिखा रखा है, मतलब आपने 2,70,000 का लोन लिया होगा, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। वही हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आइटम है, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़ आ रहा है वो आ रहा है 48,000। और आप देखिए 48,000 में जब मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऐड करती हूँ 1,49,000, तो मुझे मिलता है क्लोजिंग बैलेंस 1,97,000। और ये वही बैलेंस है जो आपको बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2021 में भी मिल रहा था बैलेंस शीट में। तो ये आइटम आपका देखिए अपने आप मैच हो जाएगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना ओपनिंग बैलेंस था आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का, और आपने सारी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को जब अलग अलग शो कर दिया तब आपको फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड मिलना चाहिए। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट था। धन्यवाद।
आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगले सेशन में हम और सेशंस लेकर आएंगे जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड और आइटम्स और एडजस्टमेंट्स वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।